जलालाबाद क्षेत्र के इरशादपुर मार्ग पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। मुठभेड़ में एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हो गया। फिलहाल घायल बदमाश और सिपाही का कस्बे के सामुदायिक चिकित्सालय में उपचार जारी है। सर, एक मुठभेड़ हुई है, क्या पूरा मामला सर? ये थाना भवन क्षेत्र में हमारे संदीप बालियान जो प्रभारी हैं, उनकी टीम यहाँ पे मुस्तैद थी, चेकिंग कर रही थी। उसी दरमियान इनको सूचना मिली कि मुजफ्फरनगर जेल से भागा हुआ फरार हुआ कैदी उसके अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल से उधर आ रहा है। इस सूचना पे विश्वास करके हमारी थाना भवन की टीम ने, अपनी पूरी टीम, पवन सैनी जो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर हैं, संदीप बालियान, उनकी पूरी टीम ने घेराबंदी शुरू की। ये बदमाश इतना शातिर है कि अभी दो दिन पहले ये मुजफ्फरनगर जेल से जेल की बाउंड्री को कूद करके फरार हो गया था। ये सूचना हमारे पास थी और उस पर हमारी शामली की पुलिस अलर्ट चल रही थी। जब ये जानकारी मिली और घेराबंदी हुई, उस दौरान कुछ दूर चलने के बाद ये शातिर अपराधी, इसने फायरिंग शुरू कर दी। इसका जो साथी था पीछे मुड़ मुड़ करके फायरिंग करने लगा। जवाबी फायरिंग में अपने बचाव में और उसको सही तरीके से गिरफ्तार करने की नीयत से पुलिस पार्टी ने भी फायरिंग की, जिसके मद्देनज़र इस शातिर अपराधी को दाहिने पैर में गोली लगी है। हमारे एक जांबाज सिपाही अंकुश कुमार हैं, उनके बाह में गोली लगी है। हालांकि सिपाही जो हमारे हैं उनका और इन दोनों अपराधियों को, ये जो अपराधी पकड़ा गया इसका नाम दिलशाद सामने आया है। दिलशाद पिता का नाम शमशाद, इसको यहाँ पर ला करके इलाज कराया जा रहा है। हमारे जो सिपाही हैं अंकुश कुमार, वो भी खतरे से बाहर हैं और इस अपराधी को दवा इलाज यहाँ पे कराया जा रहा है, पूछताछ चल रही है। इसका एक साथी जिसका नाम इसने कल्लू बताया है, मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, उसके बारे में डिटेल जानकारी हासिल की जा रही है। ये एक शानदार काम हमारी शामली पुलिस और थाना भवन टीम ने किया है, उस पर इनको 25,000 रुपये का इनाम इनको दिया जा रहा है। साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि ये दो दिन पहले जो ये जेल से फरार हुआ था उसके बारे में थाना मंडी मुजफ्फरनगर पे पहले ही मुकदमा इस पे दर्ज किया गया है और मुजफ्फरनगर पुलिस और शामली पुलिस साथ ही साथ जो मुजफ्फरनगर जेल का के कर्मचारी हैं, ये तीनों लोग पूरी शिद्दत के साथ इसके बारे में सुराग रसी पता रसी कर रहे थे, जिसमें आज शामली पुलिस को बहुत ही बढ़िया सफलता मिली है। सभी उच्च अधिकारियों ने इस पे शाबाशी दी है और ये निश्चित रूप से एक बढ़िया काम हुआ है। बाकी डिटेल्स इसके बारे में तलाश किया जा रहा है, वो आपको शीघ्र ही अवगत कराया जाएगा। जेल से कैसे भागा? थोड़ा पड़ गया था जी, डॉक्टर कैसे भागा चकमा दे के? तो बारिश कर देते जी, मैं एकदम उठ के पेशाब करने बाहर निभा गया जी। फिर वहाँ से बाहर कैसे निकला? बाहर ही था, अस्पताल बाहर ही गए थे, बाहर ही गए थे। अस्पताल से भागा था, अंदर से दीवार बाहर से भागा थे अस्पताल से जी। मैं तो बातचीत कर रहे थे बेचारे, मैं भी निकल के चुपचाप इधर पेशाब करने के बाहर।